यूट्यूब आपका मेरे एंटरटेनमेंट स्टॉप चैनल में स्वागत है। गाइस आज जिस मूवी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है केट। बेसिकली ये रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और आज इसी मूवी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। बेसिकली ये मूवी है, यदि आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी जिनका मैं नाम लूंगा तो आपको पता लग जाएगा मूवी के बारे में। एक तो मूवी है एटॉमिक ब्लॉन्ड, दूसरी मूवी है द रेड, तीसरी मूवी है जॉन विक और चौथी मूवी है रेड स्पैरो और लास्ट जो मूवी का मैं नाम लूंगा उसका नाम है क्रैंक, जेसन स्टैथम की मूवी। तो ये मूवीज का नाम लेने के बाद आपको पूरा प्लॉट यदि क्लियर नहीं हुआ है तो इस मूवी के प्लॉट को मैं थोड़ा सा स्पॉइल भी करूंगा आप लोगों के लिए। बेसिकली इस मूवी को डायरेक्ट किया है उमर अलीम ने और उसे डायरेक्ट किया है सेड्रिक निकोलस ट्रॉयन ने। ये बेसिकली एक ऐसी फीमेल एजेंट के ऊपर मूवी है जिसमें कि उसे पॉइजन कर दिया गया है और उसे 24 घंटा है उसे अपने उस पॉइजन किए हुए एनिमी को मारने के लिए और उसे रिवेंज लेने के लिए। पूरी मूवी इसी बेस्ड है और मूवी जो है ये बहुत सारी मूवीज से इंस्पिरेशन लेती है जिससे कि इस मूवी में आपको बहुत सारी मूवीज का आपको इसमें फ्लेवर दिखेगा। यदि आपने इस तरह की मूवी नहीं देखी है जैसे कि क्रैंक हो गई या फिर एटॉमिक ब्लॉन्ड हो गई या फिर जॉन विक हो गई, यदि आपने इस तरह की मूवी नहीं देखी है तब तो ये मूवी आपको यूनिक लगेगी क्योंकि ये मूवी जापान में फिल्म की गई है तो इसमें जो सेटिंग है जो बैकडोर है वो जापानीज कल्चर और वहां के रॉक थीम, क्रेजी रॉक थीम जो कि हम लोग नहीं सुनते हैं क्योंकि सिर्फ उनके एनिमे और मांगा के बारे में सुनते हैं, बट जापानीज रॉक भी एक बहुत ही क्रेजी और बहुत ही यू नो यूनिक टाइप का उनका रॉक कल्चर रहा है, उस थीम आपको इस मूवी में देखने मिलेगा। बेसिकली हमारी जो हीरोइन है वो एक एजेंट रहती है जो कि अपने एजेंसी के द्वारा कहे गए जो टारगेट को मारने के लिए उसे बाधित किया जाता है और मारने के बाद उसे जब काफी ग्लानी होती है, काफी दुख होता है तो वो डिसाइड करती है कि मैं इस बिजनेस को छोड़ दूंगी और उसको फिर बाद में पॉइजन कर दिया जाता है। इसके बाद से उसे बताया जाता है कि उसको सिर्फ 24 घंटा है और उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी और उस 24 घंटे में जिसने भी उसे पॉइजन किया है उसको उससे बदला लेने के लिए वो निकल पड़ती है और पूरे वेंजेंस के साथ वो किस तरह से बदला लेती है, किस तरह से ट्रैक डाउन करती है और कौन इस मूवी में मेन विलेन है, ये मूवी का बेसिकली प्लॉट है और पूरी मूवी इसी पर आधारित है। यदि इस मूवी को मैं एनालाइज करूं और रिव्यू करूं इस मूवी का तो इस मूवी में कोई भी यूनिकनेस नहीं है जिसके कारण आपको ये लगता है कि टिपिकल हॉलीवुड मूवी जो कि बनती आई है घिसा पिटा जो स्क्रिप्ट होता है उसी तरह की यह मूवी है और इसमें आप स्टार्टिंग में ही गेस कर देंगे कि इस मेन जो एक्ट्रेस है मैरी एलिजाबेथ विंस्टेड इसे किसने पॉइजन किया होगा। मैंने गेस कर दिया था मूवी के स्टार्टिंग में कि इसे इसी ने पॉइजन किया है और आप भी इस मूवी को पूरा गेस कर सकते हैं। नहीं तो आपने ऐसी तरह की मूवी नहीं देखी है, हॉलीवुड तरह की जो रिवेंज मूवीज होती है उस तरह की मूवी आपने नहीं देखी है तो इसमें कोई ज्यादा सस्पेंस नहीं है कि किसने इसे पॉइजन किया होगा। और इसके अंदर जो एक्शंस यूज किए गए हैं वो एक्शन स्लो है और उनके अंदर बहुत बार ऐसा लगता है कि जैसे हमारे भुज मूवी में था ना संजय दत्त सब पूरी पाकिस्तानी आर्मी को मार डालते हैं और सारे पाकिस्तानी जो सामने रहते हैं वो मरते रहते हैं, पीछे वाले वेट करते रहते हैं संजय दत्त मुझे मारेगा। उसी तरह से इस मूवी में भी जो हीरोइन है जो विलेंस को मार रही है तो वो मार खाते हैं और जो पीछे वाले या जो बाजू वाले हैं वो उतना इन्वॉल्व नहीं होते और कई बार वो मारती हुई गोली तो सबको लग जाती है पर और लोग गोली मारते हैं तो उसे गोली नहीं लगती है। और इसमें जो उसे पॉइजनिंग दिया गया है जिससे कि उसका पूरा बॉडी सड़ रहा है, पूरा खून निकल रहा है और उसे कैंसर हो गया है 24 घंटे के अंदर और वो क्रेजी एक्शन करती है पूरा मूवी में, सिर्फ इंजेक्शन ले लेके एक्शन करते चले जाती है। और ये मूवी आप जब देखेंगे इस तरह के जब एक्शन देखेंगे और जब इस तरह के प्लॉट को देखेंगे आप और जब प्ले आउट होता है जब प्लॉट आपको ये सीन्स इतना कन्विंस नहीं करेंगे कि आपको इस मूवी से बांधे रखे तो ये इसी कारण से इस मूवी के अंदर ये ड्रॉबैक जो आता है इसकी जो एक्शंस है वो काफी स्लो है। इसके अंदर जो एक्शंस के जो सीक्वेंसेस है उनकी कोरियोग्राफी है वो कहीं कहीं पर ठीक दिखती है पर बहुत जगह पर लैक करती है। और इसमें जो हीरोइन को दिखाया गया है कि किस तरह से उसे कैंसर हो गया, पूरी बॉडी से खून निकल रहा है, दांत से मुंह से खून निकल रहा है, बट वो पूरी एक गैंग से पूरी याकुजा गैंग से लड़ते चले जाती है और वो किस तरह से अपना बदला लेने में कामयाब होती है। कहीं जो दिखाया गया है कि वो चल भी नहीं सकती, उठ भी नहीं सकती, उसके देह में इतनी जान नहीं है, बट नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि वो कई गुंडों कई याकुजा यानी गैंगस्टर्स को अपने अकेले दम पर उन लोगों को मारती है। यहां तक कि अंत में तो वो काफी नेवी के जो ट्रेंड एजेंट्स होते हैं उनको भी अकेले दम पर मारती है। ये बात आपको बचेगी नहीं और ये सब सीन्स आपको मूवी में इंटरेस्ट पैदा नहीं करेंगे। हाँ यदि आपने ऐसी मूवीज देखी नहीं है
तो आपको लगेगा कि हाँ भाई चलो यूनिक है, क्योंकि जैसे कि यदि आपका सिनेमा का व्यू यदि ऐसी गोर और वायलेंस मूवी से नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इस मूवी में जो गोर वायलेंस है वो यूनिक हो और यू नो आपको डिस्टर्ब करे, और समटाइम ऐसी मूवीज में गोर और वायलेंस हेल्प करते हैं मूवी को कन्विंस कराने के लिए एज अ व्यूअर जो ज्यादा गोर और वायलेंस और एक्शन देखना पसंद करते हैं। इस मूवी का जो प्लॉट है वो एक तरह से जेनरिक प्लॉट है, हमेशा इसी तरह के प्लॉट को यूज किया जाता है हॉलीवुड की बी ग्रेड जो मूवीज होती है एक्शन मूवीज उन्हें बनाने के लिए। यहां तक कि आप जो डायलॉग्स भी देखेंगे वो टिपिकली आप बहुत सारी मूवीज में इसी रट्टा आप इसे कई बार रिपीट होते हुए देखेंगे, तो इसलिए ये मूवी आपको वहां भी कैच नहीं करती है। इस मूवी में जिस लड़की को मेन हीरोइन बचाती है उनके दोनों के अंदर का जो रिलेशनशिप है वो आपको थोड़ा कन्विंसिंग लगेगा। और इस मूवी में जो मेन हीरोइन है एक्चुअली वो काफी कूल दिखती है, उसके जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो एक्शन में ऐसा लगती भी है कि वो काफी जचती है इस तरह के एक्शन मूवीज में, बट इस मूवी में उसके इस टैलेंट को और वो अच्छी एक्टिंग भी करती है उसे इस मूवी में बर्बाद किया गया है, उसके टैलेंट को और उसके जो लुक दिया गया है। एक्चुअली इस मूवी में जो हीरोइन मैरी एलिजाबेथ विंस्टेड की जो लुक्स है वो बहुत ही कूल दिखाई गई है, जो कि काफी आपको ऐसा विश्वास देती है कि हाँ ऐसी तरह इस तरह की वो खतरनाक एजेंट होगी और इस तरह के एक्शन कर सकती है। बट यदि आप मूवी को थोड़ा सा सोचेंगे तो हमने इस तरह की कई मूवी देखी है जो कि इस तरह के मूवी से अच्छी मूवी बनाई गई है, जैसे कि एटॉमिक ब्लॉन्ड, जैसे कि जॉन विक, जैसे कि क्रैंक, जैसे स्टैथम की मूवी यदि आप देख लेंगे तो उसके अंदर भी उसे कुछ ही घंटों में मरना होता है और उसके अंदर वो बदला लेता है। तो क्रैंक मूवी, विलेनियस मूवी और जो एटॉमिक ब्लॉन्ड, ये तीन चार मूवी का जो मिश्रण करेंगे आप तो ये जाके केट मूवी बनती है। यदि इस मूवी को मैं रेटिंग देना चाहूंगा तो इसे मैं आउट ऑफ 10 5 रेटिंग देना चाहूंगा, क्योंकि इस मूवी में कुछ यूनिकनेस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपने पहले ऐसी मूवीज में नहीं देखा होगा। हाँ एक्ट्रेस आपको इम्प्रेस करती है, वुडी हैरिसन जो कि काफी एक एक्सपीरियंस एक्टर है उसका ज्यादा उपयोग नहीं किया गया है, और यहाँ पे जो जापानीज थीम ली गई है वो आपको इस मूवी में एक यूनिकनेस प्रदान करती है। बट एक्शन जो है, एक्शन सीक्वेंसेस जो है, उनकी कोरियोग्राफी जो है वो काफी स्लो लगती है, और उनकी जो कोरियोग्राफी है वो उतनी रिफाइंड नहीं है जिससे कि आपको पता लगता है कि जो विलेंस है वो वेट कर रहे हैं एक्ट्रेस को उन्हें मारने देने के लिए। और इसमें जो प्लॉट है वो काफी बार घिसा पिटा उसे यूज किया गया है, बहुत सारी मूवीज हॉलीवुड मूवीज में आप इसे देखे होंगे। तो ओवरऑल जो रेटिंग मैंने इस मूवी के लिए दी है मुझे लगता है कि ये काफी इसे जस्टिफाई करती है। और यदि इस मूवी के अलावा यदि किसी मूवी का मैं आपको रिकमेंडेशन देना चाहूं तो मैं दो मूवी का रिकमेंडेशन आपको दूंगा, जो कि यदि इस तरह की मूवी आपने नहीं देखी है तो सबसे नंबर वन जो रिकमेंडेशन मैं देना चाहूंगा और सबसे बेस्ट यदि आप कोई फीमेल एक्शन मूवी देखना चाहते हैं और यदि आपने ऐसी कभी मूवी नहीं देखी है तो मैं कोरियन मूवी का नाम आपको सजेस्ट करना चाहूंगा जिसका नाम है विलेनेस। प्लीज आप उस मूवी को जरूर देखना, वो मूवी इतनी यूनिक है और इतनी जबरदस्त, उसमें एक्शन है, फर्स्ट पर्सन जो व्यू है उसमें वो एक्शन है, उसके अंदर जो मेन हीरोइन है उसने जो एक्टिंग की है वो टॉप नॉच है, इसमें जो गोर और वायलेंस है टॉप नॉच है, और उसे आप देखेंगे और उसमें आपको ना यू विल फील कि आपने कोई एक यूनिक मूवी देखी है। और यदि सेकेंड मूवी में कोई आपको यदि रिकमेंड करना चाहूं तो उसमें होगी दो मूवी एक्चुअली, एक एटॉमिक ब्लॉन्ड और क्रैंक। यदि ये दोनों मूवी आप देख लेंगे तो आपको बेसिकली केट देखने की जरूरत ही नहीं है, यदि आपके पास टाइम है तो आप इसे देख सकते हैं, ये इतनी बुरी मूवी नहीं है। सिर्फ इसमें एक सीन ऐसा है जो कि बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है, और जो मूवी है उसके अंदर गोर और वायलेंस है इसके कारण इस मूवी को बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए, तो बेसिकली आप इसे देख सकते हैं, एडल्ट्स बैठ के साथ में देख सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है इस मूवी के लिए। तो गाइस आई होप आप लोगों का मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा, और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे और दो चैनल है मयंक सिंह और एक दूसरा चैनल है गेमिंग नाइट्स, गेमिंग नाइट्स के ऊपर मैं डेली वीडियोस डालता हूं और मयंक सिंह के ऊपर वीकली एक वीडियो डालता हूं जो कि काफी रिसर्च के बाद मैं उस वीडियो को डालता हूं, उसमें काफी मेहनत लगती है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे सब्सक्राइब करिए, उसे चैनल को लाइक करिए और उसे प्लीज शेयर करा करिए मेरे वीडियोस को। तो गाइस इस मूवी रिव्यू को मैं यहीं पे एंड करता हूं, मैं आप लोगों से नेक्स्ट मूवी रिव्यू में मिलूंगा, आप लोगों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। We'll be right back.